मेरी वालदा का हुक्म है कि सियासत में रहना है। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिसको तू धंधा बोलता है ना क्राइम है वो। धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। बीएसपी कोई साजिश नहीं कर रही, बबांगे दोहल कह रही है हमने इस एमक्यूएम को दफन करना है। मेरी सांस तो रोक लोगे लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? आने वाले इंतखाबात में भी एक मंशूर, एक नाम और एक निशान। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। आपने ना फोन किया ना बात की, आप ठोके जा रहे हो, ठोके जा रहे हो, दबा दब ठोके जा रहे हो। ज्यादा ऊंचा मत उड़, कट जाएगा। अगर कटने का डर होता ना तो पतंग नहीं चढ़ाता, फिरकी पकड़ता। 20 महीनों के बाद पहली दफा जुबान खोल रहा हूँ। मैंने कहा था झूठ इतना बोलना कि मुझे सच ना बोलना पड़े। इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। सबूत ले आइए, ले जाइए। गैर जिम्मेदाराना गैर सियासी गुफ्तगू करके पीएसपी के सरबराह ने बहुत कीमती मौका हम समझते हैं कि जाया। इसके बावजूद हम आज भी सूबा सिंध में बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए सबके साथ हाथ मिलाने पर तैयार हैं। आ रहा हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम है राय अपनी अपनी। मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद। हमारी प्रोडक्शन टीम ने बड़ी मेहनत के साथ प्रोग्राम के आगाज़ में जो मोंटाज तैयार किया है वो आपने देखा भी, एक इंतहाई खूबसूरत मोंटाज। हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो तारीफ़ के काबिल है कि किस तरीके से सूरत हाल को डेवलप करने के लिए, बयान करने के लिए बड़ा खूबसूरती से उन्होंने मोंटाज तैयार किया है। ख्वातीन हज़रात, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। 2018 के इंतखाबात करीब करीब हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारा जोड़ तोड़ होना है, लेकिन ये जोड़ तोड़ और मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो चंद लम्हात में तब्दील होता रहेगा और मुसलसल होता रहेगा, ये हमने सोचा नहीं था। पिछले कुछ दिनों से जो तवील घंटों तक जो कि मीडिया पे भी मीडिया दिखाता रहा, कराची की सियासत के हवाले से जो कुछ चलता रहा, कौन सच्चा है कौन झूठा है, असल महरकात क्या है, इन पर हम बात करेंगे। और जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर अगर सियासत की बात की जाए तो अल्फाज का चुनाव से बेहतर नहीं हो सकता कि उम्मीद क्या है सियासत के पेशवाओं से, ये तो खाकबाज हैं, रखते हैं खाक से पैबंद। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनके तारुफ की जानब सबसे पहले बढ़ूंगा। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इम्तियाज़ गुल साहब हमें ज्वाइन करें, इम्तियाज़ साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, अपना सीनियर तजियाकार हैं। साथ ही साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। शाहिद साहब आपका भी मैं बेहद मशकूर हूँ, सीनियर तजियाकार हैं आप, आपकी भी जो एनालिसिस है वो भी हमारे लिए प्रोग्राम में यकीनी तौर पर बेहद मुफीद होगा। इरशाद साहब सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। सर बहुत सारे सवाल हैं और वो यकीनी तौर पर सवाल हमने डिस्कस करने भी हैं। हमारी जो कौम है वो भी हंस भी रही है और वो ट्विटर पे जो लोगों की जो राय आ रही है उसे सबको पता तो चल ही रहा है। सर ये चल क्या रहा है, ज़रा अपने अल्फाज में ज़रा मुझे पहले समझाइएगा। देखिए जी, सूरत हाल ये है, मुझे जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए परेशान कुन सूरत हाल है कि अगर इनको इकट्ठा बिठाने में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार था, किसी सतह पर वो इन्वॉल्व थी, अब तो खैर दोनों मान गए हैं, तो इस कदर कमज़ोर स्क्रिप्ट लिखना और फारूक सत्तार की कमज़ोर पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखे बग़ैर, चिकने घड़े हैं फारूक सत्तार साहब, बिल्कुल उस पर एतमाद करके बिठा देना प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये ना सोचना कि ये मुकर भी सकते हैं और ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी गलती है। आपने नवाज शरीफ के बयानी को मजबूत किया कि इस्टेब्लिशमेंट या इदारे कुछ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन मामलात में, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। एक दूसरा ये है कि फारूक सत्तार साहब ने नई बात क्या की है, ये सारा कुछ तो 35 साल से अवाम सुन रहे हैं और इस सियासत ने किसी को कुछ नहीं दिया। ये जो महाजर की सियासत है, देखें एमक्यूएम बरकरार रखने पर इसरार क्यों है? एमक्यूएम कोई शानदार माजी नहीं रखती मुस्लिम लीग की तरह के जिसने पाकिस्तान बनाया हो, या पीपल्स पार्टी की तरह जिसने कुछ ना कुछ अवाम को दिया हो। एमक्यूएम ने महाजर अवाम को सिवाय कब्रिस्तानों के, सिवाय भत्ताखोरी के, सिवाय अगवा बराए
तावान के क्या दिया है। कहते हैं जी हमने मुहाजिर को शनाख्त दी। क्या शनाख्त दी है? मुहाजिर एक पढ़ी लिखी महज़ब शाइस्ता कम्युनिटी थी जिसको हम नकल किया करते थे। पूरे पाकिस्तान में उनकी ज़ुबान, उनका लबो लहजा, उनका लिबास, उनका खाना, ये सारी चीज़ें नकल होती थी, कापी होती थी। आज इसकी शनाख्त क्या है? जावेद लंगड़ा और वो जो मिर्ज़ा है सौलत मिर्ज़ा, उन आपने शनाख्त का किसी दौर में शनाख्त होते थे जालबी साहब, किसी दौर में शनाख्त थे मुश्ताक यूसफी, किसी दौर में शनाख्त थे हकीम सईद ईदी साहब। ये शनाख्त थे कराची की और मुहाजर कम्युनिटी की। अब शनाख्त क्या आपने बना दी है? और मुहाजर, जहाँ तक लफ्ज़ मुहाजर है, ये तो मुखालिफीन ने आपको हमेशा कहा और आपको चिराने की कोशिश की, आपने उसी को बरकरार रखना है। तो आप बरकरार इसलिए रखना चाहते हैं कि जी आपके जो मफादात जुड़े हुए हैं लंदन से, या मुहाजर कम्युनिटी को बेवकूफ़ बना के आपने जो जायदादें बना ली हैं, आपने जो कुछ बना लिया है उसको आप बरकरार रखना चाहते हैं। उसके मुकाबले में अगर देखा जाए मुस्तफ़ा कमाल को, मुस्तफ़ा कमाल एक नई बात कर रहा है कि जी क्रिमिनल्स जो हैं और क्रिमिनल्स की जो बाकियात हैं, अल्ताफ़ हुसैन की बाकियात जो है उससे पीछा छुड़ाओ, और मुहाजर को पंजाबी के साथ, सिंधी के साथ, पश्तून के साथ, बलूची के साथ खड़ा करके हकूक़ की बात करो और कराची को अमन का गहवारा बनाओ। ये बात मौसूफ तो नहीं कर रहे, मौसूफ तो अब भी उसी लाइन पे खड़े हुए हैं जिसने कराची को कब्रिस्तान में तब्दील किया। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि अगर आपने जो कहा, आपके जो इजहार लख साहब की हैंड राइटिंग सामने आई है जो मुस्तफा कमाल ने पेश की है, उसमें खुलम खुला लिखा हुआ एक निशान होगा, एक नाम होगा, एक मंशूर होगा, ये सारा कुछ जब आपका तय हो गया तो उसमें एम क्यूम कहाँ से आ गई? जाहिर बात है कि अगर आपने कोई नाम नया देना है तो वो फिर एम क्यूम नाम नहीं होगा, पीएसपी नाम नहीं, एक नाम पे होगा ना ये। या तो आप लिख देते कि एम क्यूम में ये एग्ज़ाम हो रहे हैं। आपने गलत बयानी की। बेसिकली देखा ही नहीं गया कि अल्ताफ हुसैन फारूक सत्तार साहब एक कमज़ोर आदमी हैं, वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उनमें कुव्वत फैसला नहीं। उनकी तो कमज़ोरी उस वक्त वाजे हो गई जब उन्होंने सियासत से और एम क्यू एम से दस्तबरदारी का ऐलान किया, जब लोग इकट्ठे हो गए, वो ड्रामा मुकम्मल हो गया, तो इतनी अखलाक की जरूरत नहीं थी कि वो कहते कि मैं फ़ैसला वापस ले रहा हूँ। वो अपनी वालदा ज़ईफ़ुल उम्र वालदा को वापस ले सामने ले आए और ये इनका हुक्म है। भाई आप लीडर हैं, आप उनका हुक्म मानने की बजाय आप ख़ुद फैसला करें। अगर आपसे गलती हुई है या आप दोस्तों की मर्जी को फोकियत दे रहे हैं तो आप कहें हाँ भी मैंने ये सर वो किया था। सर, जो इनकी जाने गई हैं उनकी भी तो माएँ हैं, उनकी भी तो फिर सुन लें कि वो माएँ क्या बोल रही है। तो इंसाफ नहीं। फिर ये जो इन्होंने मुहाजर सियासत के अलावा ये कब्रिस्तान की सियासत शुरू की है, शहदा का कब्रिस्तान, ये तल्ख यादें वाबस्ता हैं कराची के इस कब्रिस्तान से, और ये उन लोगों को के साथ ज्यादती है जिन्होंने 92 के और बाद में 98 के और बाद में जो मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए हैं क्रिमिनल्स के खिलाफ, लहदगी पसंदों के खिलाफ, रियासत के बागियों के खिलाफ, राह के एजेंटों के साथ, ये उनको चलाने के मुतरादिफ है। आप दोबारा कब्रिस्तान आबाद करना चाहते हैं? आप वहाँ इल्म व अदब की सरपरस्ती करें, वहाँ तरक्की लाएँ, पार्क आबाद करें, आप फिर कब्रिस्तानों के दरवाजे खोल रहे हैं। ये कब्रिस्तान से आपकी क्या वाबस्तगी है? क्यों आप कब्रिस्तान की सियासत करना चाहते हैं? ठीक है, इम्तियाज गुल साहब के पास जाऊंगा। सर आप बताएगा, सर इरशाद साहब ने भी जिक्र किया लेकिन ये दर हकीकत स्क्रिप्ट कमजोर था किसका? दूसरा सर ये बताएं कराची के मसाइल, मुहाजिर का नाम, क्या कराची वाले मायूस नहीं है? क्या मुहाजिर आज जो शर्मिंदा नहीं है? देखिए जी, मैं शर्मिंदा क्या, बल्कि उन्हें तो जिन लोगों ने गुज़िश्ता 30 बरसों के दौरान वोट दिए एम क्यू एम को, उनका मैं समझता हूँ एक कलंक का टीका है इस लिहाज से पाकिस्तान के माथे पे कि इतना बड़ा शहर है, अफरादी कुव्वत से मालामाल, समंदर के किनारे है, और इस शहर को आज होना चाहिए था उस मकाम पे जिस मकाम पे दुबई और अबू धाबी हैं, बल्कि ये उनसे बहुत बेहतर होता क्योंकि कराची की अफरादी कुव्वत के साथ साथ यहाँ का मौसम भी, यहाँ की फ़िज़ा जो है वो दुबई या अबू धाबी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन एम क्यू एम के जो सो कॉल्ड रहनुमा थे, इसके साथ साथ मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का भी उसमें किरदार है कि गुज़िश्ता 30-35 बरसों से
یہ بالواسطہ براہ راست کراچی کے معاملات کے انچارج رہے ہیں، لیکن ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں، چونکہ میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے کئی لوگ اعلی کار کے طور پہ استعمال ہوتے رہے کراچی کو برباد کرنے کے مشن میں، جس کی وجہ سے آج کراچی نہ صرف قبرستان ہے اقدار کا بلکہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بھی بنا ہوا ہے، اور یہ مہاجر مہاجر کر کے انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، وہاں کی آبادی کو بھی ایک یرغمال بنائے رکھا ہے۔ حالانکہ بذات خود جو مہاجر کی اصطلاح ہے یہ اتنی متضاد ہے، تضادات سے بھرپور ہے کہ بھئی آپ کا کس کیا مہاجر کوئی قبیلہ ہے، کیا کوئی ذات ہے؟ یہ انہوں نے اپنے اوپر یہ ایک مہاجر کا لفظ اختیار کر کے اور خود کو ایک مظلومیت کی تصویر بنا کے ایک لبادہ چڑھا دیا، اور اندرون خانہ کراچی کو عملاً برباد کرنے کا انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ اس میں چاہے فاروق ستار صاحب ہیں، چاہے وہ جو صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کئی قریبی رفقا ہیں، ان سب کا اس میں کردار رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو کراچی کے سیاستدان تھے ایم کیو ایم کے اور دوسری جماعتوں کے اور کراچی کے بہت سارے رہنے والے، ان کی منافقت نے بھی کراچی کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ لاشیں کون گراتا تھا، وہاں پہ آرگنائز کرائم کون کرتا تھا، بھتے کون لیتا تھا۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کراچی میں یا خاتون نہیں ہے جس سے مال و اسباب نہ چھینا گیا ہو گھر پہ آ کے یا سڑک کنارے۔ اب جب یہ باتیں، ہم جب بھی کراچی جاتے تھے ہمیں بتایا جاتا کہ دیکھیں جی میری چوری ہو گئی، مجھ سے فلاں چیز فون چھپا کے اپنی جیب میں رکھیں، چھین لیا جائے گا۔ بابا یہ کون کرتا تھا؟ یہ انہیں کی سرپرستی میں ہوتا تھا۔ اب وہ لوگ جو کہ جس کو کہتے ہیں بغض معاویہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یا وہ لوگ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، ان کے خلاف یہ کہانیاں گھڑ رہے ہیں کہ جی ان کا یہ اسکرپٹ تھا۔ بھلے ان کا اسکرپٹ ہوگا، لیکن جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں کیا انہیں حقیقت حال معلوم نہیں ہے؟ مجھے خود معلوم ہے کس طرح جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، جو 12 مئی 2007 کا واقعہ تھا، کہ ایم کیو ایم کو کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی۔ کیا فاروق ستار کو اس وقت معلوم نہیں تھا؟ کیا قنور نوید قنور صاحب ہیں اور دوسرے بہت سارے ان کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ اس دن خود جنرل پرویز مشرف کے ایک بہت قریبی انٹیلیجنس کے سربراہ تھے اس وقت، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے اسلام آباد سے کہ آپ نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، کیونکہ چیف جسٹس افتخار چودھری کو ہم نے ایئرپورٹ سے شہر نہیں داخل ہونے دینا۔ ٹھیک۔ اور آج میں نہیں سمجھتا کہ جو واٹس ایپ پہ اور دوسرے گروپوں پہ یہ بحث چل رہی ہے کہ کس کا اسکرپٹ ہے، کس نے زیادتی کی، مصطفیٰ کمال کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں فروعی ہیں۔ ہمیں پاکستانی کے طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ تمام جو واقعات، الزامات ایم کیو ایم پہ لگے تھے، کیا یہ درست تھے؟ اور اگر درست تھے تو کیا اس کا جو ہولڈ تھا اس کا توڑا جانا پاکستان کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے اچھا ہے؟ امتیاز گل صاحب، میں یہی سوال آپ کے لے کے شاہد صاحب کے پاس جاؤں گا۔ شاہد صاحب، امتیاز گل صاحب نے جو بات کہی وہی سوال آپ سے، دوسرا آپ سے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ اس وقت آپ نے بھی دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ملاقات ہے، ہاں جی بالکل، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوئی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے لا کے بٹھایا اور وہ پہلے سے فاروق ستار صاحب وہاں پر موجود تھے، یعنی کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ گزارشات کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آئے آ کے بیٹھے، ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ سر اس کو آپ الزام کہیں گے، کیا کہیں گے، کیا صورتحال ہے یہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا نام اتنے کھلے طریقے سے لیا گیا تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے نیت کیا تھی۔ آپ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہ کریں کہ آپ ان پر الزام تراشی شروع کر دیں۔ یعنی کراچی کا حال کیا تھا؟ کراچی تو کھلے کھلا پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں ان کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ یہ وہاں پہ اغوا، برائے تاوان، قتل و غارت، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، یہ سب کچھ کیا تھا؟ ہمارا شہر ہوتے ہوئے یہ تو دشمن کے اشاروں پر اس شہر کو اس کے اندر انتشار پھیلا دیا گیا، اور قتل و غارت اس حد تک ہو گئی کہ یوں لگا کہ جیسے ہماری انتظامیہ ہماری حکومت کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ اور یہ حقیقت ہے، وہ شخص جس نے 2016 اگست میں پاکستان مردہ باد کے نعرے لگوا دیے اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور شہر میں آپ نے دیکھا کہ کیسے توڑ پھوڑ ہوئی، سما ٹی وی، بینکس اور نہ جانے کیا کیا کچھ وہاں لوٹ لیے گئے اور وہاں بربادی کر دی گئی، یہ کراچی کا نقشہ تھا۔
जहां से हमने कराची को रिकवर किया और फिर वहां पे हमने देखा कि रेंजर्स को बुलाकर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मेहनत की और कराची का सुकून वापस लेकर आए, तो क्या इसमें कोई बुरी नीयत थी? अब जब ये अगस्त का मामला हो गया और उसके बाद इनका जो एक फैक्शन था जिसको फारूक सत्तार ने लीड किया, उसने खुल्लम खुल्ला इजहार कर दिया कि हम उनसे अलहदा हो गए, वो गद्दारे वतन है। जब ये सब कुछ बात हुई और उसके बाद अगर ये कोशिश की गई कि अगर ये लोग वाकई उस रास्ते से सीधे रास्ते पर आ रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल मैदान में आ गए और उनकी हुब्बल वतनी पे कोई किसी को शक नहीं है, उनकी बातें आज भी खरी खरी और सीधी सीधी हैं, और अगर इस तरह का मौका ढूंढकर और इनको मिलाने की बात की गई तो क्या उसमें कोई बदनीयती है? आज मसलन आवाजें उठ रही हैं एक सियासी पार्टियों का तोड़ और जोड़, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी? शाह लतीफ साहब, एक सिर्फ गुजारिश ये है, कोई बदनीयत ही नहीं थी, कोई एतराज नहीं। एतराज ये है कि अब जब आप बिठा रहे हैं तो कम से कम एक जमानत तो ले लें फारूक सत्तार साहब से या उनके साथियों से कि आप बैकआउट नहीं करेंगे। ये एक इल्ज़ाम या एतराज हो रहा है कि जी एक चिकने घड़े को आपने आगे किया और उसके बाद सारा जो है कालक उसने मल के रख दी सारे उस जो इंजाम। इरशाद साहब देखें, मुझे मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मुझे इससे थोड़ा सा इख्तलाफ है जी। देखें, इस हद तक इन्वॉल्वमेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना चाहती कि किसी को पकड़ के कान से कहे कि आप ऐसे करो तो वैसे करो। आपको मालूम है कि इस वक्त तनकीद किस हद तक, यानी पीएमएलएन फौरन उठ खड़ी हुई और कहने लगे जी ये सियासी पार्टियों की तोड़फोड़ तो जाहिर हो गई, उनको अपना जो दुख है वो सामने ले आए, वो कह रहे हैं जी हमारी जो तोड़फोड़ है उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट शामिल है। तो इस तरह हम थोड़ा सा इस बात में ख्याल करें कि वो इस हद तक नहीं जाना चाहते थे, एक जनरल बात थी जिसके तहत उन्होंने एक कोशिश की है कि ये दोनों आपस में मिलके एक सही सियासी पार्टी बनाएं, कराची का सुकून वापस आए और वो जो गद्दारे वतन बाहर बैठा हुआ है उसको टोटली निकाल दिया जाए, ये एक कोशिश है। उन्होंने इस हद तक वो नहीं गए कि दोनों के कान पकड़कर या खासकर ये फारूक सत्तार जो है, जो कि साबित हो गया कि ये 100% आज भी PMQM का हिस्सा है और जो लंदन बैठे हुए हैं ये उनका हिस्सा है, ये तो आज खुल के सामने आ गया। जब साहब एक ब्रेक की जरूरत मुझे बनना है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे दोबारा PMQM के बगैर हम नहीं चल सकते। ठीक है, ठीक सर, एक अपने बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। शाद आरिफ साहब, सर आपने जिक्र किया कि कोई गारंटी होनी चाहिए थी, कोई बैठाने से पहले कोई चीज बहरे सब होनी चाहिए थी कि अगर ये काम हो रहा है तो फारूक सत्तार साहब पीछे नहीं हटेंगे। सर क्या समझते हैं, गारंटी क्यों नहीं ली गई उनसे? और फारूक सत्तार साहब, सर एक पॉइंट यही भी आ रहा है कि क्या पता फारूक सत्तार साहब का प्लान हो ही ये जो उन्होंने किया है? ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है, फारूक सत्तार साहब किसी और का जो है वो एजेंडा आगे बढ़ा रहा हूँ, वो किसी और के हैंड पिक्ड हूँ और उसने हमारी एजेंसियों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को धोखा दिया हो एक ख़ास प्लानिंग के तहत, ये इम्कान है। इसलिए कि देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं, ख्वा वो MQM में हों, PSP में हों, किसी और जमात में हों, उनके साथ तो किसी किस्म की नरमी नहीं होनी चाहिए, किसी कीमत पर भी नहीं होनी चाहिए। यही हम पंजाब के हवाले से बात करते हैं, यही हम फाटा के हवाले से बात करते हैं, यही हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं और यही हम कराची के हवाले से बात करते हैं। ये कोई जवाब नहीं है कि कोई क्रिमिनल जो है, जो कातिल है, अगवाकार है, भत्ता खोर है, वो अगर पैसे दे के या पिस्तौल दिखा के वोट हासिल कर ले तो वो अब मावराए आइन हो जाए। अब इस सूरत में जो नुकसान हुआ है जिस बात का, मुस्तफ़ा कमाल को नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है हमारी रियासत को। हमाद सिद्दीकी को आप पकड़ के लाते हैं, वो जिन मुजरमों की निशानदेही करना चाहते करता है, उस पर जब आप हाथ डालेंगे तो वो शोर मचेगा कि देखें जी हमने इनकी बात नहीं मानी, हम मुस्तफ़ा कमाल के साथ नई पार्टी बनाने पर आमादा नहीं हुए, इसलिए हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। ये एक तो ये पहलू है।
दूसरा ये है कि बात खा वो कोई भी हो, इसी पार्टी के अंदर जो लोग जराइम में मुलव्वस हैं, जिन पर गद्दारी बगावत के मुकदमात मौजूद हैं, 22 अगस्त के मामले में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून का आनी हाथ क्यों नहीं आता सामने, और उनके उनको उनके अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचाया जाता, ये आप उसको क्यों रिलीफ दे रहे हैं, क्यों रियायत दे रहे हैं। ये इसकी वजह से यही सूरत हाल थी जो 88 से 87 से शुरू हुई और जाके 22 अगस्त तक कराची को खून में नहलाया गया कि हर मौके पर कभी परवेज़ मुशर्रफ़ ने रियायत दे दी, कभी नवाज़ शरीफ ने रियायत दे दी, कभी बेनज़ीर भुट्टो ने रियायत दे दी कि जी मेन स्ट्रीम धारे में लाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, कभी भी ये नहीं आया। जो लोग ये तय कर चुके हैं कि हमने मुहाजरों को तबाह करना है, कराची को तबाह करना है क्योंकि ये इंडिया की ख्वाहिश है, मुहाजरों के नाम पर हमने अगवा बराए तावान, भत्ता खोरी और दूसरे जराइम को फ़रोग देना है, वो किसी कीमत पर भी तब्दील नहीं होंगे, क्यों आखिर इस पर इसरार है कि एम क्यू एम को बरकरार रखना है, क्या इशू है? एम क्यू एम को बरकरार रखने का मतलब ये है कि आप अल्ताफ़ हुसैन को फिर लाना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, फिर अल्ताफ़ हुसैन की लेगेसी जो है उसको ज़िंदा करना चाहते हैं। एक चीज़ जो गिरोह या तबका या जमात जो है बदनाम हो चुकी है तो उसको बरकरार रखने का जवाज़ क्या है? तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब मज़ीद वक्त देने की बजाय रियासत को, रियासती इदारों को बरूए कार आना चाहिए, उसी तरह आना चाहिए जिस तरह जब वो अजीज़ाबाद पे हुए थे, हाँ 90 पे गए थे और वहाँ से असला भी बरामद हुआ था, लोग भी बरामद हुए थे और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमाद सिद्दीकी की सूरत में एक और मोहरा हमारे पास आ गया है। तो जो ऑपरेशन है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और किसी को ढील ना दी जाए ताकि कराची का जो रोशनियां बहाल हुई हैं वो फिर तारीखी में ना बदल सके। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, सेम पॉइंट सर आपसे, जो इरशाद साहब ने पॉइंट रेज किए वो भी, दूसरा ये सर क्या ये प्लान, ये भी तो हो सकता है कि प्लान फारूक सत्तार साहब का हो ही, ये रियासत को तो नुकसान है अब इससे। देखिए मुझे तो अब उनके मोटिव्स पे हमें अब का एसआरआई कर लें, लेकिन आया उससे हमारा, अगर हम इसी काम में लग जाएं, मेरा अपना ये ख्याल है, तो हमारा बतौर पाकिस्तानी के असल जो मकासद हैं उनसे फिर हमारी तवज्जो हट जाती है। तो हमें, मेरा ख्याल है सबको बार बार वो चीज़ें याद करनी चाहिए, वो वाक़ियात याद करने चाहिए जिसमें एम क्यू एम बराए रास्त मुलविस रही है और जो कराची के जवाल का, कराची में ऑर्गेनाइज क्राइम का सबब बनी है। आपको मैं एक बात बताऊं, 2007 में कनाडा में एक छोटी सी दुकान में मेरी यंग स्ट्रीट में मुलाकात हुई एक साहब से, तो उन्हें मैंने कहा कि मैंने आपको देखा हुआ है, कहते हाँ जी मैं एम क्यू एम का सेनेटर होता था। और ये वो सेनेटर थे, मैंने उनसे फिर तफसीली इंटरव्यू भी किया और उस वक्त भी इत्तेफाकन मैंने इंटरव्यू किया हुआ था, लेकिन चूँकि उसको 10-12 साल गुजर गए थे। ये वो सेनेटर थे जो कि एम क्यू एम के लिए दरा आदम खेल से असलहा कराची भेजने में, ट्रकों के ट्रक भेजने में मुलविस थे, खुद उन्होंने मुझे बताया। और वो कई दिन तक वहाँ पे एक दरगाह है, एक मज़ार है, उस मज़ार में वो छुपे रहे थे। तो ये जो हमें चाहिए बतौर रियासत के, बतौर पाकिस्तानी शहरियों के, इस मामले को किसी तरीके से एक लॉजिकल अंदाज में अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ कि आया एम क्यू एम ने यह काम किया या नहीं, एम क्यू एम के लोगों ने भारत या अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की या नहीं, अगर की है, और इसके अलावा जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे हैं, कोई अभी भी कुछ लोगों ने जिसमें पीएसपी में शमूलियत इख्तियार की, अगर वो उस इन जुराम में मुलविस रहे हैं तो कबल इसके कि इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी जो साहिब इख्तियार इदारे हैं यहाँ पर वो इन्हें कौमी धारे में लाएँ, उससे पहले इन तमाम मामलों का क्लोजर उनको करना चाहिए। क्लोजर का मतलब होता है एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए ताकि 2-4 साल के बाद फिर एक बार फिर हमें उन्हीं हालात का सामना ना करना पड़े, फिर उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो बड़ा सवाल पाकिस्तान को बचाने के लिए, कराची को मामूल पे लाने के लिए ये है कि आया जो माजी में जितने वाकयात और जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनकी भरपूर तफ्तीश करके
उन्हें मंतकी अंजाम और तक जितने किरदार थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, इकराम सहगल साहब भी हम कह चुके हैं, इकराम साहब हमको आपको खुशामदीद कहते हैं। सर गुफ्तगू काफी आगे बढ़ चुकी है, सर आपके पॉइंट जानना चाहेंगे। सर आपको क्या लगता है, आप सहमत इस बात से, आप इत्तेफाक करते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान खासतौर पर फारूक सत्तार साहब तमाम सूरतेहाल में बड़ी बेहतरीन सियासत कर गए हैं, पहले जाके वहां पर बैठना, फिर मुकर जाना, फिर ये बातें सामने आना, मंजरेआम पर आना, क्या लगता है अगर ऐसा ही है तो उनके मकासद क्या हैं, करना क्या चाह रहे हैं वो? देखिए, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ पर आए थे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बोलते ना कि काफ़ी सस्टेन्ड। इकराम सहगल साहब, मैं बहुत मानना चाहता हूँ कि आवाज़ जो है वो हम तक सही नहीं पहुँच पा रही है, दोबारा मैं आपसे पास आऊँगा, मैं इस वक्त शाहिद साहब के पास जाता हूँ। शाहिद साहब आप बताइएगा, जो बात इरशाद अली साहब ने कही, इम्तियाज़ गुल साहब ने भी हमने बात की, सवाल सर आप क्या कंक्लूड करेंगे, आपको क्या लगता है, कंक्लूजन क्या है, क्या कहती है आपकी तजुर्बा कि आखिरी सियासत खेल कौन रहा है, कौन किसके साथ मिल रहा है, किसकी बात जो है हाथ में असल जो है ये डोरे हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि यह फारूक सत्तार साहब ने बिल्कुल धोखा दिन दहाड़े देने की कोशिश की है, और इनकी जो आपस में इस वक्त कन्वर्सेशन हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, उससे एक बात खुलकर सामने आ गई कि इसकी इब्तदा फारूक सत्तार साहब की तरफ से हुई थी और उन्हें नज़र आ रहा था कि उन पर यकीन नहीं किया जा रहा। आए दिन वो अपनी सफाई पेश करते थे कि हमारा अब ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से नहीं है, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उन पर यकीन किया जाए ताकि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें एमक्यूएम वोट ले सके। तो इस तरह का उन्होंने पहले ही मंसूबाबंदी कर रखी थी कि मैं एक तरह से पहले ऐसा माहौल पैदा कर लूं कि लोगों को यकीन आए, और इसी के तहत उन्होंने जिस किसी को भी कांटेक्ट किया इदारे को, उससे बार बार ये इल्तजा की कि हमारा इनसे मिलाप करवाया जाए, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि पीएसपी जो है वो बहुत मकबूल हो रही है, उनका एजेंडा जो है वो बिल्कुल एमक्यूएम से, उन्होंने तो एमक्यूएम से यानी उस नाम के करीब भी जाना गवारा नहीं किया, और लगातार उन्होंने एमक्यूएम के खिलाफ जो बयान दिए और फिर जो शवाहद पेश किए वो हर आदमी उसे देख रहा था। तो इनकी तरफ से ये कोशिश की गई कि अगर हम इनके साथ मिल बैठेंगे तो हमारा भी लोगों को यकीन आ जाएगा। अच्छा शाहिद साहब, मैं दोबारा की तरफ आता हूं आपकी जात से, शाहिद साहब आपकी जात से, क्योंकि इकराम सहगल साहब काफी देर से हमारे साथ मौजूद है कि कुछ टेक्निकल वजूहत थी, नहीं आ पा रहा था, अब दोबारा वो हमारे साथ रابطے में। इकराम सहगल साहब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। देखिए, मैं शाहिद लतीफ साहब की बात कंटिन्यू करता हूं कि पीएसपी जब से आया, ये मुस्तफा कमाल जब से आए, उनने काफ़ी सस्टेन्ड कैंपेन करके काफ़ी एक फॉलोइंग कर ली, और एमक्यूएम पाकिस्तान जो थी वो ग्रेजुअली एवरी डे वो लूज कर रही थी। ये अल्ताफ हुसैन की जो लंदन थी वो तो आउट ऑफ फैक्टर हो गई, लेकिन एमक्यूएम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्तफा कमाल को ज़ाती तौर पर उनके साथ मुखालफत करते हैं, तो वो फारूक सत्तार साहब को रिस्ट्रेन करते थे कि आप ना जाएँ मुस्तफा कमाल साहब के पास। लेकिन राइटिंग इज़ ऑन द वॉल, बात यह है कि ये जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने, देखिए मुस्तफ़ा कमाल की असर रसूख पहले तो कराची में थी और अनीस खायम खानी की असर रसूख हैदराबाद और मीरपुर खास में, लेकिन जब से ये इन्होंने कैंपेन किया है इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग आ गई कराची के अंदर, और ये जो ऑन द ग्राउंड इनको फारूक सत्तार साहब को पता था कि एवरी डे दे लूजिंग ग्राउंड, तो नेचुरली वो राबता जिस तरह शाहिद लतीफ साहब कह रहे हैं वो राबता कर रहे थे इनफैक्ट विद एस्टैब्लिशमेंट के किसी ना किसी तरह हमारे साथ करें, लेकिन विद इन हिज ग्रुप काफ़ी मुखालफत थी टू मुस्तफ़ा कमाल की, वो नहीं चाहते, वो चाहते थे कि नहीं हम अगर होल्ड करें तो हम विदाउट अल्ताफ एंड विदाउट मुस्तफ़ा कमाल हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ रियलिटी। ये जो है, ये जो इन्होंने पूरा ड्रामाबाजी किया है, ये मुस्तफ़ा कमाल को लॉन्ग टर्म में हर्ट नहीं करेगा, ये इनफैक्ट फ्रेंकली स्पीकिंग इसकी तो बैकलैश आएगी, रिवल्शन होगी, और आप देखेंगे कि जो कुछ रह गुजरे थे वो भी मुस्तफ़ा कमाल की तरफ चले जाएंगे, बिकॉज उन्होंने देख लिया कि जो इनकी परफॉर्मेंस थी इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो हैरत ना थे, आदमी हैरत हो जाता है कि एक पार्टी का लीडर जिस तरह इनने परफॉर्म किया कि उसको वो एक तरफ से कह रहा है कि हमारी पॉलिटिकल अलायंस अभी भी कायम है, दूसरी तरफ से वो पॉलिटिकल अलायंस के लीडर्स को अटैक कर रहा है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो करते हैं। ये बात मैं मुस्तफ़ा कमाल की मानता हूँ कि उनने नहीं बोला किसी को कि मुझे फारूक सत्तार से मिला दे, फारूक सत्तार की तरफ से काफ़ी और यह रूमर्स काफ़ी थे और काफ़ी लोग कहते थे कि वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह मुस्तफ़ा कमाल के साथ ज्वाइन हो जाए। देखिए,
ایز فار ایز الطاف حسین کی ایم کیو ایم از کنسرنڈ بارنگ دا شاؤٹنگ اس کے اندر تھوڑی بہت ان کی ضرور اثر رسوخ رہے گی جو ان کی اولڈ کراؤڈ ہے جو ان کے ساتھ پہلے 85 سے 95 وہ ان کے ساتھ آپ کچھ بھی کر دیں وہ ڈائی ہارڈ ہیں اس وقت رہیں گے لیکن جو ووٹ بینک تھی ان کی وہ ڈیوائڈ ہو گئی اور وہ ووٹ بینک گریجولی شفٹ کر رہی ہے ٹو جی اکرام صاحب اس لیے میں نہیں سمجھتا جی 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 میں ایک آپ کراچی سے چونکہ گہرا تعلق ہے اور دفاعی امور سے بھی یہ اس وقت جو صورتحال جن لوگوں نے بٹھایا ان کو وہ اب اپسیٹ تو ہوں گے کہ فاروق ستار نے ہمیں دھوکہ دیا یہ جو کہا ہے مصطفیٰ کمال نے کہ جی اتنے ایم این اے اور اتنے ایم پی اے ہیں جن کو روکا گیا ہے فاروق ستار کی فرمائش پر کہ ابھی آپ کہیں نہ جائیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ سارے کے سارے این بلاک چلے جائیں گے مصطفیٰ کمال کے پاس نہیں نہیں سارے سارے نہیں جائیں گے جی مصطفیٰ کمال کے خلاف جو ان کے جو ایم کیو ایم اور ایم کے ایم پی اے اور ایم این اے ہیں سارے نہیں میں کہہ رہا ہوں جن کا رابطہ پہلے سے ہے جن کا رابطہ پہلے سے مصطفیٰ کمال کے ساتھ ان کو روکا وہ گریجولی چلے جائیں گے جی وہ گریجولی چلے جائیں گے کیونکہ دیکھیے ان کی اب وجود نہیں رہے گی وہ بولتے ہیں نا ایک فیل سیف لائن ہے وہ کراس کر گئے ہیں اب دے کین ناٹ ہینگ آن دا بیلنس اینی مور ان کو ایک طرف نہ دوسری طرف جانا پڑے گا میں سمجھتا ہوں جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے ایک الیکٹیبل کوانٹٹی وہ مصطفیٰ کمال ضرور ہے فاروق ستار کی ناٹ گیٹ الیکٹڈ آن ہز اون اینی ویئر فاروق ستار کے پاس اگر ووٹ بینک ہی نہیں ہے فاروق ستار ڈیفینیٹلی ان کا فیس ضرور ہے یہ جو گروپ ہے جس نے الطاف حسین سے الگ ہو گئے اور مصطفیٰ کمال سے الگ ہو گئے ان کا فیس سامنے ضرور ہے لیکن اس کے پاس ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے ایک دکھ کے پاس ہوگا ووٹ بینک کیونکہ لیڈرشپ جو ہوتی تھی ان کی وہ اس لیول پر نہیں ہوتی تھی وہ اس سے لوئر لیول پر ہوتی تھی جو یونٹ کے ہیڈ ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی ان کی پاور ان کے پاس ہوتا تھا اور وہ زیادہ تر وہ شفٹ کر گئے الیجنسز اپنا اور اتنی وہ الیجنس نہیں ہے اور جو کرمنل ایلیمنٹ تھی جو انفورس کرتی تھی الطاف حسین کی ڈکٹاٹ جو انفورس کرتی تھی وہ تو رینجرز نے ٹھیک ٹھاک پسپا کر دیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کراچی پولیس نے بہت کام کیا اس کے اندر پسپا کرنے کے لیے تو آئی تھنک گریجولی یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلے جو شفٹ ہو رہی تھی سلولی یہ ضرور اب اس کی ایک بولتے ہیں نا ایک تیز رفت اچھا اکرام صاحب ایک مختصر سا سوال اور یہ فرمائیے کہ فاروق ستار نے یہ ڈرامہ کیوں کیا ایک معاہدہ کر کے طے کر کے وہ ہمارے پاس ہینڈ رائٹنگ موجود ہے خواجہ اظہار کی یہ واپس ان لوگوں کے دباؤ پر واپس جانا جو پہلے ہی مخالف تھے اور اس معاملے کے بھی اور مصطفیٰ کمال کے ان کے دباؤ میں واپس چلے جانا کیا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا مستقبل قریب میں نقصان ہوگا ان کی سیاست کو اور ایم کیو ایم کو بھی دیکھیں اس کا جواب میں بھی دینا چاہوں جی جی بالکل فیلر انہوں جو فیلر نہیں آپ دیں اکرام صاحب آپ بولیں پلیز جی انہوں نے جو فیلرز دیے پہلے وہ مصطفیٰ کمال کی طرف کہ بھائی ہمیں جوائن کرنے والا مصطفیٰ کمال وغیرہ نے یہ ضرور ان کو کبھی بھی پہلے اٹیک نہیں کرتے تھے لیکن زیادہ تر یہ کوشش ہی کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وداؤٹ اینی بولتے ہیں کانفلکٹ آ جائیں لیکن اس کے اندر ایک ہارڈ کور گروپ ہے جو مصطفیٰ کمال کو کبھی بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گی وہ الطاف حسین سے الگ ضرور ہو گئے ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں ان کی فاروق ستار کی بات یہ تھی کہ وہ ان ایک سارٹ آف براڈ اگریمنٹ لے گئے لیکن جب وہ واپس آئے ان کو ریئیکشن ملا اور جو ریئیکشن تھا وہ اس کے ہوسٹیج بن گئے اور انہوں نے سمجھا کہ نہیں اب میں یو نو دس تھنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک بولتے ہیں پولیٹیکل سوئسائڈ کمٹ کیا ہے جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے لاسٹ 48 آورز میں جو ان کی تھوڑی بہت کریڈیبلٹی رہ گئی تھی ایز اے لیڈر وہ بھی ختم ہو گئی ہے بیکاز اب تو کھل کے آ گئی نا سامنے بات کیونکہ بھائی کس نے کس کو اپروچ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں ایک آپ جائیں اور آپ اگر صحیح ٹھیک ہو گئے اکرام صاحب میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں شاہد لطیف صاحب انکلوڈ کرنا چاہ رہے تھے اپنی گفتگو کچھ شاہد صاحب پلیز آپ کنٹینیو کیجیے گا جی جی دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کی توقعات کے برعکس ہوا ہے انہوں نے خود اپنے بیانات میں کہا کہ میں ساری رات اس کی جو رسپانس تھی وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہا تو اس کے اندر وہ ایم کیو ایم کا خاص کر وہ حصہ جو ڈائی ہارڈ آج بھی الطاف حسین کے ساتھ ہے ان کی جو ٹویٹس آئیں
वो इसकी इनको तवक्को नहीं थी। इन्होंने समझा चंद लोगों को चूंकि मैंने अपने साथ मिला लिया, अब मेरा रास्ता क्लियर है। लिहाजा उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, एक नाम, एक मंशूर, एक निशान, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मगर उसकी जो फीडबैक आई उसका प्रेशर ये नहीं ले सके, लिहाजा अगले ही दिन इन्हें बदलना पड़ा। ये इसकी असल वजह है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर ये तब्दीली कैसे आई, ये सारा प्रेशर था। और ये एक लीडर, अगर वाकई वो सही लीडर है तो उसको ये सारा होमवर्क अक्रॉस द बोर्ड करना चाहिए था। उन्होंने चंद लोगों को लेके उनसे बात कर ली, वो समझे यही लीडर हैं, बस इनके कहने पे मैं ये बात कर सकता हूं। मगर जो ओवरऑल एमक्यूएम की तरफ से रिस्पांस आया सोशल मीडिया पे वो नेगेटिव था, लिहाजा अगले दिन वो बदल गए। ये है आजकल सुलझा। ठीक हो गया, खुद न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहेगा। के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। और अब कुछ दीगर केसेस की भी बात कर ली जाए, वो ये है कि इस मुल्क में हर दिन कोई ना कोई नई खबर तो आती है, पुरानी खबरों को हमने भूलना नहीं है, उनका भी हमें ताकुब करना है। शरीफ खानदान के हवाले से बात करेंगे जी, जो हमारी हुकूमत है उस हवाले से बात करेंगे। हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस जो है वो कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है, नवाज शरीफ साहब तो चले गए, अब बारी किसकी है, कुछ अब इस पर तस्करा कर लेते हैं। शाह साहब आप पहले भी कुछ कंक्लूड करना चाह रहे थे, वो भी कह लीजिए, फिर सर जरा हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से बताएगा क्या कहेंगे। मैं फारूक सत्तार के हवाले से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह 22 अगस्त को उसने अल्ताफ़ हुसैन ने ख़ुदकुश हमला किया था अपने आप पर और एमक्यूएम पर, मेरा ख्याल है ये 9 नवंबर को फारूक सत्तार ने भी ख़ुदकुश हमला किया है। अपनी और एमक्यूएम की सियासत उसने दफन कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान के मुहब वतन अवाम में, दूसरे सूबों कराची में, जिनको थोड़ी सी भी हमदर्दी थी इसके फारूक सत्तार के साथ, या जो इस खुशफहमी का शिकार थे कि जी अल्ताफ़ हुसैन से वाकई अलग हो गया है और ये कौमी सियासत करना चाहते हैं, वो खुशफहमी इसने दूर कर दी है। अब ये बात मैं कहना चाहता था। जहाँ तक मामला है हुदैबिया का, देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत होनी है और देखना है कि वो फैसला जो हाई कोर्ट के एक जज से लिया था जनाब इसहाक डार साहब ने, वो फैसला उसके बारे में क्या फैसला आता है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है हालात ऐसे हैं, ये एक मजबूत केस है और ये होना चाहिए, क्योंकि ये मजाक अब पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए कि जी आप मनी लॉन्ड्रिंग कर लें और आपको कोई पूछने वाला ना हो, आप धोखा देही का इर्तकाब करें सईद अहमद चमन जैसे लोगों के ज़रिए और आपको कोई पूछने वाला ना हो, आप मॉल टाउन का सानिया कर लें, 14 लोगों को शहीद कर दें, आपसे कोई पूछने वाला ना हो। तो मेरा ख़्याल है बिला तफरीक बिला इम्तियाज़ जो एक एहतसाब का अमल हो रहा है, होने जा रहा है, ये इसकी तरफ एक पेशरफ्त होगी। ठीक। और इसकी वजह से, इस हुदैबिया की वजह से और जो नैब के केसेस पहले चल रहे हैं पैनामा वाले, उसकी वजह से अब किसी और बड़े करप्ट का, मनी लॉन्डरर का और कौमी ख़जाना लूटने वालों का एहतसाब भी ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये हालात का जबर है, तारीख का जबर होगा कि अगर आप एक ख़ानदान को, लोग कहते हैं जी एक ख़ानदान क्यों, एक ख़ानदान इसलिए कि वो इक्तदार में है, इख्तियार था उसके पास, लेकिन एक ख़ानदान को जब आप करेंगे तो फिर आप मजबूर होंगे आप बाकी ख़ानदानों को या बाकी अफराद को भी उस दायरे में लाने पर, ताकि बिला इम्तियाज जवाब बने ना। ठीक हो गया। लेकिन जो लोग ये समझ रहे थे या जिनका ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब या उनके साहबजादी जो हैं वो तो हिसाब की जद में आएंगी और बाकी जो लोग उनके शरीक के जुर्म हैं वो बच जाएंगे, मेरे ख्याल है अब उनकी खुशफहमी भी दूर होने लगी है और ये अमल आगे बढ़ता। आपका कहने का मतलब कि इसहाक डार साहब भी अब शिकंजे में आएंगे, और भी इसहाक डार साहब भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इम्तियाज गुल साहब, सर आप क्या समझते हैं, क्या क्या इंक्लूड करेंगे इस गुफ्तगू में? देखिए अगर ये पाकिस्तान की जगह कोई और मुल्क होता तो पनामा पेपर्स के सामने आते ही इस तमाम घराना, ये तमाम घराना जो है वो तारीख़ के औराक में इस्तीफ़ों के ज़रिए खुद ब खुद दफन हो चुका होता। आपने देखा होगा गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बरतानिया में 2 वज़ीरों ने इस्तीफ़ा दिया, उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा है, एक पे जिनसी हरासियत के इल्ज़ाम लगे, उसने इस्तीफ़ा दे दिया।
अभी दूसरी उनकी बैन अक्वामी तआवुन की वज़ीर थी, बैन अक्वामी कारोबार की, वो इसराइल में जाके अपने डिपार्टमेंट को बताए बगैर वहाँ के वज़रा से, वज़ीर इसराइली वज़ीर ख़ारजा से मिली, उनको घर वापस बुलाया गया, हालांकि वो छुट्टी पे थी, वो घर वापस बुला के गुज़िश्ता रोज़ ही उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। यहाँ पे इतना जुल्म है कि तमाम तर असासे आपके मौजूद हैं और उसके बावजूद आपने जवाब उसका नहीं दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग आपने की तो की कैसे। तो मेरा ख़्याल है कि जो जो अरशाद साहब ने जो तारीख़ के जबर की बात की है, मैं तो समझता हूँ कि ये तारीख़ का नहीं, हालात का जबर भी और तकाजा भी है। और इस पे अगर अभी इस घराने का, मेरा ख़्याल है कि तमाम घराने की तकदीर का, सियासी तकदीर का फ़ैसला हो जाएगा। और ये फिर एक ऐसा डैम है जो अगर एक दफ़ खुल चुका है और इससे निकलने वाला पानी जो है अपने साथ बहुत सारे मोहरों को भी मेरा ख़्याल है बहा के ले जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ एक सिविल वॉर शुरू हो सकती है, जिस अंदाज़ में ये लूट खसूट हुई है और इतनी दीदा दलेरी के साथ एक नर्सिंग होम चलाने वाले को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सदर सिर्फ इस वजह से लगा दिया गया कि वो इसहाक डार का दोस्त है, इनके कर्ज़े सिर्फ इस वजह से माफ़ करा दिए गए क्योंकि ये यहूदेबिया के या दूसरे इनके इत्तेफाक घराने के जो कर्ज़े थे कि क्योंकि ये कोई वज़ीर आला था, कोई वज़ीर आज़ना, बेचारे छोटे छोटे कर्ज़े इन्होंने लिए, वो कारोबार नहीं चला और कर्ज़े माफ़ हो गए। लेकिन सर एक एक असल मोटिव, सर एक असल मोटिव यहाँ पे ये भी है, असल मोटिव एक यहाँ पे भी है। कम से कम साहब इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्या ये जो पैसा है ये मुल्क वापस आएगा भी? मुश्किल है जी, क्योंकि जिनके पास पैसा गया है, मैं इम्तियाज़ गुल साहब की बात सुन रहा था कि हाँ मैं मानता हूँ वहाँ पर बड़े वहाँ पर काम होते हैं, लेकिन वो भी इतने ही अनप्रिंसिपल्ड लोग हैं वहाँ पर, वो समझते हैं आप जो पैसे गए थे और मनी लॉन्ड्रिंग किया था, उनको नहीं पता था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अगर सही मानों में देखें, जब यहाँ पर मामला निकला है मनी लॉन्ड्रिंग का, उनको चाहिए था अंडर यूके लॉज वो भी एक्शन लेते। मनी लॉन्ड्रिंग तो उधर हुई है ना जाके, यहाँ से तो शुरू हुई है, लेकिन वो ऐसी पैसे वापस देने की आपके मूड में नहीं है। वो तो चाहते हैं कि इलीगल पैसे आए। आप हाइड पार्क के नीचे बैठ जाएँ, दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल उस स्क्वायर माइल में रहते हैं हाइड पार्क के इर्द गिर्द, और वहाँ पर वो जितने पैसे जाते हैं वो सूट केस में पैसे जाते हैं। इनका अपना लॉ है जो कहता है कि 10,000 pounds ज़्यादा आप कैश में कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आप 2-3 million pounds की चीज़ें खरीदी गई कैश के अंदर, वो क्यों नहीं पूछते हैं? मैं जी देखिए, मैं नाम तो नहीं लेता क्योंकि मैं पार्टनरशिप अगेंस्ट करप्शन इनिशिएटिव का एक डायरेक्टर हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, क्यों मैं चेटम हाउस रूल्स के अंदर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने जब सवाल जवाब किया, उनके 2-3 बड़े अहदेदार आए थे, उनका जवाब ये था कि जी बस ये, मैंने बोला जी जब हमारी सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रही है कि आप हमें इसका जवाब दें, आप उसके ऊपर डिले क्यों कर रहे हैं? जब आपने साइन किया हुआ चार्टर पर, जब आपके जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरन, उन्हें बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था April 16 में, ये जी इनकी कोई स्क्रूपल्स नहीं है, इनकी कोई मॉरल्स नहीं है, ये आपको पैसे वहाँ पर रखने के लिए कुछ भी कर लेंगे, ठीक है पैसे नहीं आएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है जो लोग जो है इनके और पैसे बाहर ना जाए। ठीक हो गया। अच्छा शाहिद साहब आप क्या कहेंगे, ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान भी इस तनाजुर में सामने आया, कहते हैं कि अदालती फैसलों के नतीजे में जो खत्म शुदा हुदैबिया पे मिल केस है, इसका दोबारा जो इजरा है ये बड़ी नाइंसाफी है। सर वाकई नाइंसाफी हो रही है उनके साथ या उन्होंने खुद तसव्वुर कर लिया है? देखें इनको तो ये सारी नाइंसाफियां ही नजर आएंगी ना। अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, शायद इम्तियाज साहब ने कहा कि ये अब तारीख का एक स्याह बाब बन जाएंगे, मैं समझता हूं कि इससे पहले ही ये स्याह बाब बनना चाहिए था। ये अफसोसनाक है कि अब जब ये 17 साल पुराना किस्सा इसको वहां दबाया गया और आज 17 साल बाद इसको खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, वो भी पनामा केस के सिलसिले में इसका तस्करा हुआ, ये कोई नए सिरे से ये काम नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि ये स्याह बाब अगर उस वक्त बन जाता तो आज शायद पनामा का भी हमें कन्फ्रंट हम उसको ना करते और जो पाकिस्तान की आज हालत है शायद पाकिस्तान इससे बच जाता, मगर हमने उस वक्त इसको बंद कर दिया और इसको छुपा लिया। दूसरी बात यह है कि जो अभी आपने बात की कि क्या ये पैसे आ जाएंगे, मैं समझता हूँ ये तो एक पैरेलल में मामला चलना चाहिए और इनके गले दबाने चाहिए कि पैसे वापस लाएं, साबित किया जाए कि ये बिल्कुल लॉन्ड्रिंग हुई है और ये पैसा इनको ऐसी सजाएं दी जाएं कि पैसा वापस लाएं, वरना इनकी सजाओं में सख्ती मजीद कर दी जाए। दूसरा मामला देखें, आपको याद होगा कि ये इसहाक डार साहब ने कुछ देर पहले कहा था कि $200 billion पाकिस्तान के स्विस बैंक्स में हैं। उन्होंने आज तक हमें नहीं बताया कि वो $200 billion के मालिक कौन है।
उनको पकड़ा जाए कि वो हमें बताएं वो कौन हैं। और दूसरा एक और मामला किया जा सकता है, हमारी एग्रीमेंट है स्विस अथॉरिटीज के साथ कि उनको अगर इस तरह की जरूरत पाकिस्तान से हो तो हम पाबंद हैं उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के, और इसी तरह वो भी पाबंद हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये किसी सेक्रेटरी लेवल के आदमी के जरिए, क्योंकि ये काम हुक्म जो है ये वजीर के जरिए जरूरी नहीं है, किसी सेक्रेटरी लेवल के आदमी के थ्रू ये खत लिखवाया जाए। और जो स्विस बैंक्स में वो 200 मिलियन पाकिस्तान के पड़े हुए हैं वो रिकवर करने के लिए फौरी तौर पे इनिशिएट किया जाए मामला। ये वो चीज है जो 200 बिलियन पाकिस्तान के स्विस बैंक से वापस ला सकती है। तो मैं समझता हूं इन दोनों फ्रंट्स पे काम करना जरूरी। शाह साहब आपका इंक्लूड करेंगे इसमें सर, क्योंकि बिल्कुल देखिए ये इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर ये बात कही थी और वो एक कौम के सामने एक वादा था। फिर पिछले साल उन्होंने इसहाक डार ने ही वो मुआहदा किया है स्विट्जरलैंड के साथ म्यूचुअल जो है कि ताकि हम वापस ला सकें। तो इसहाक डार साहब तो शायद इंटरेस्टेड ना होते, लेकिन अब जब के सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है तो वाकई शाह लतीफ़ साहब कह रहे हैं ये हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हो सकता है, ये काम हुकूमत भी कर सकती है। वैसे मेरी इत्तला ये है कि आला तरीन सतह पर यह आज हमने खबर छापी भी है 92 रोजनामा 92 में कि आला तरीन सतह पर इस बारे में सोचा जा रहा है और वो 200 बिलियन डॉलर वापस लाने के लिए अगर कानून साजी की ज़रूरत है, अगर ख़त व किताबत की ज़रूरत है और जो सफारती जो मामलात हैं उनको करने की संजीदगी से गौर हो रहा है। अगर 200 अरब डॉलर में से 70 अरब डॉलर भी आ जाएं तो हम कर्ज़ों से निजात हासिल करके ये जो हम सूद देते हैं हर महीने हर साल वो हमारी तरक्की के लिए खुशहाली के लिए काफ़ी है। मेरे ख्याल से अब होने वाला है काम। इकराम सर प्लीज़ प्लीज़ जी, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी जी देखिए पहले तो बात ये कि ये जो 200 बिलियन डॉलर है ना ये रेड हेरिंग है जो इसहाक डार साहब ने फ्लोर पर कहा था। स्विस बैंक्स में अभी पाकिस्तानियों के इतने पैसे नहीं हैं, उन्होंने क्योंकि स्विस ने एक चार्टर साइन किया था और उन्हें कहा था कि और जब ये भी कि हम वापस करेंगे पैसे वैसे तो स्विट्जरलैंड से और जगह पैसे चले गए, लिश्टनस्टाइन चले गए हैं और जगह कॉर्बोरस आइलैंड्स इधर उधर चाइना बहुत से जगह चले गए, लेकिन स्विस बैंक्स में ये रेड हेरिंग था कि हम लाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। बैंक्स में हैं पाकिस्तानी के पैसे और 200 बिलियन डॉलर हैं लेकिन स्विस अकाउंट्स में नहीं है, ये आप भूल जाएं। होंगे पैसे और मैं समझता हूँ 15-20 बिलियन डॉलर, बट ज्यादा ये रेड हेरिंग है। बाकी जगह में लिश्टनस्टाइन में कॉर्मोरस आइलैंड में वहां पर बर्मुडा में इधर उधर सब जगह ये ठीक है। काम साहब मैं माजरा चाहता हूं, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। ख्वातीन हज़रात यहां पे प्रोग्राम मुझे करना होगा। मैं सबसे पहले इरशाद साहब आपका, इम्तियाज गुल साहब और शाहिद साहब और इकराम मुसैकल साहब सब बहुत शुक्रिया आप सभी मौजूद मेहमानों को। ख्वातीन हज़रात फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान हासिल महमूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।